हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। सो स्टूडेंट्स, हमारा जो साइंस सिलेबस है ऑलमोस्ट वो एंड होने वाला है। हमारा जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 6, लाइट साउंड एंड फोर्स। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। मीन्स ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट देते हैं और ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो लाइट नहीं देते। तो जो लाइट देते उन्हें कहते हैं ल्यूमिनस, एंड जिन ऑब्जेक्ट्स हमें लाइट नहीं मिलती है उन्हें कहते हैं नॉन ल्यूमिनस। ओके, एंड ऑल्सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट शेडो, साउंड एंड फोर्स। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर। सो प्लीज़ ओपन योर बुक, चैप्टर 6, लाइट साउंड एंड फोर्स, पेज नंबर 214। लेट्स गेट स्टार्टेड। लुक एट द इमेज गिवन बिलो केयरफुली एंड कलर द ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट। यहाँ पर आपको इमेज दी गई है, आपको केयरफुली इस इमेज को ऑब्जर्व करना है, और जो भी ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं जिनसे हमें लाइट मिलती है, रोशनी मिलती है, उन्हें आपको कलर करना है। ओके, विल यू बी एबल टू सी थिंग्स केप्ट इनसाइड अ डार्क रूम? अगर कोई डार्क रूम है, मीन्स ऐसा रूम है जिसमें अंधेरा है, तो क्या वहाँ पर जो भी चीज़ें रखी गई है क्या आप उन्हें देख पाएंगे? नो, टू सी थिंग्स केप्ट इनसाइड अ डार्क रूम यू रिक्वायर अ सोर्स ऑफ लाइट। अगर कोई डार्क रूम है, मीन्स ऐसा रूम है जहाँ पर बहुत अंधेरा है, तो आपको किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए वहाँ पर किसकी ज़रूरत पड़ेगी? लाइट की। विदाउट लाइट आप कोई भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। द लाइट फ्रॉम द सोर्स फॉल्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स एंड हेल्प अस टू सी देम। जब किसी जो लाइट का सोर्स होता है, जब वो किसी ऑब्जेक्ट पर गिरती है उसकी लाइट, ओके, तो ऑब्जेक्ट को हम देख पाते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिनसे हमें रोशनी मिलती है उन्हें कहते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं, लाइक सन, बल्ब एंड लैंटर्न, जिसे हम लालटेन कहते हैं। ये तीनों ही एग्जाम्पल्स है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स से जिनसे हमें लाइट मिलती है। स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट्स दैट डोंट गिव आउट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वो ऑब्जेक्ट जिनसे हमें लाइट नहीं मिलती है, जो रोशनी नहीं देते, उन्हें क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। वी कैन सी नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन लाइट फॉल्स ऑन देम। जो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें हम तभी देख पाते हैं जब उनके ऊपर लाइट गिरती है, रोशनी गिरती है उन पर, तब हम उन्हें देख पाते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स आर गिवन बिलो। टेबल, बुक्स, दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। शेडो। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट अ डार्क पेज इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। दिस डार्क पेज इज कॉल्ड अ शेडो। शेडो क्या होता है स्टूडेंट्स? शेडो को कहते हैं हम परछाई। कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, जो ब्लैक पेज दिख रहा है आपको, ये बॉय जो है उसकी जो परछाई बन रही है, शेडो बन रही है, ये जो पेज है इसे कहते हैं शेडो। शेडो कब बनती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लाइट आ रही हो और जो सोर्स है लाइट का वो अपोजिट साइड पर हो, तो एक डार्क पेज जो है बनता है, उसे कहते हैं शेडो। सो वी कैन से दैट अ शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्टैंड्स इन द पाथ ऑफ लाइट।
As a result, the object blocks the path of the light coming from a light source. शेडो कब बनती है? जब सामने कोई सोर्स है लाइट का और वो किसी भी ऑब्जेक्ट पर गिर रही है और उस ऑब्जेक्ट ने उस लाइट को क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया, मीन्स रोक दिया. तो क्या होगा कि उस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कहाँ बनेगी? अपोजिट साइड पर बनेगी. मतलब जो लाइट का सोर्स है, जहाँ से लाइट आ रही है, उसके जस्ट अपोजिट साइड पर क्या बनेगी? शेडो बनेगी. एक डार्क पेज बनता है जिसे हम कहते हैं शेडो. ड्यूरिंग द डे वी गेट टू सी शेडोज व्हेन ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन. दिन के टाइम में क्या होता है, हमें वी गेट टू सी शेडोज व्हेन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन. जब सन से रोशनी आ रही होती है और वो किसी जिस भी ऑब्जेक्ट पर हो, उस ऑब्जेक्ट ने उस रोशनी को ब्लॉक कर दिया है, तो क्या होगा? शेडो बनेगी. एट नाइट शेडोज आर फॉर्म्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स ब्लॉक द लाइट कमिंग फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लाइट सोर्स लाइक बल्ब कैंडल. बट रात के टाइम में शेडो कैसे बनती है? उसके जो सोर्स होता है, कि दिन में तो सोर्स क्या होता है, सन होता है, बट नाइट के टाइम में, रात के टाइम पे क्या होता है, जो बल्ब होता है, कैंडल, मतलब जो भी हमारी आर्टिफिशियल सोर्स है, उनसे जो लाइट आ रही होती है और जब कोई ऑब्जेक्ट उस लाइट को ब्लॉक करता है तो उसकी शेडो बनती है. पेज 216. फॉर शेडोज टू फॉर्म अ लाइट सोर्स एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन आर रिक्वायर्ड. शेडो को फॉर्म, मतलब शेडो कब बनती है, उसके लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? एक लाइट सोर्स जिससे हमें रोशनी मिले, सेकेंड कोई ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, एंड थर्ड स्क्रीन. द साइज ऑफ द शेडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द पोजिशन ऑफ द लाइट सोर्स द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्रीन. जो साइज होता है शेडो का वो किस पर डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि जो लाइट का सोर्स है, मीन्स जिससे हमें लाइट मिल रही है, उसकी पोजिशन क्या है, कहाँ पर है वो, एंड ऑब्जेक्ट और स्क्रीन, इनकी पोजिशन पर डिपेंड करता है किसका साइज, शेडो का. शेडोज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट आर लॉन्गर ड्यूरिंग द मॉर्निंग एंड इवनिंग एंड द शॉर्टेस्ट एट नून. शेडो की जो लेंथ होती है वो मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम, मीन्स सुबह और शाम के टाइम पे ज़्यादा होती है लेंथ शेडो की, और नून में, मीन्स दोपहर के टाइम पे शॉर्ट होती है. यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी गई है जिससे आप और अच्छे से अंडरस्टूड कर पाएंगे कि जो लेंथ है वो किस तरह से वेरी करती है, मीन्स किस तरह से चेंज करती है. तो इस एक्टिविटी में क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड है. स्टिक ऑफ लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड मीटर रूलर. आपको एक स्टिक लेनी है जिसकी जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर की हो, और एक मीटर रूलर जिससे आप उसे मेज़र कर सकें. प्रोसीजर क्या आपको कैसे करना है? फर्स्ट प्लेस द स्टिक अपराइट इन एन ओपन गार्डन ग्राउंड ड्यूरिंग द मॉर्निंग टाइम ऑन अ क्लियर सनी डे. जिस तरह से आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं, एक स्टिक है, आपको एक स्टिक लेना है 30 सेंटीमीटर की, आपको इस तरह से ग्राउंड में उसे लगा देना है. एक ओपन एरिया आपको देखना है जहाँ पर सन रेज आपको प्रॉपरली मिले, ठीक है. सेकेंड मेजर द लेंथ ऑफ द शेडो फॉर्म्ड इन द मॉर्निंग. फिर आपको जो शेडो बन रही है उस स्टिक की या नीचे, इस तरह से आपको उसको मेज़र करना है कि उसकी लेंथ कितनी है मॉर्निंग में. मेजर द लेंथ ऑफ द शेडो अगेन एट नून. उसके बाद में आपको वो स्टिक को वहीं पे लगे रहने देना, आपको उसको कहीं पर भी मूव नहीं करना है, वहाँ फिक्स कर देना है आपको. आपको मॉर्निंग में रीडिंग लेनी है कि लेंथ कितनी है, उसके बाद में दोपहर के टाइम आपको देखना है कि लेंथ कितनी है शेडो की, शेडो की लेंथ जो है कितनी है. देन रिपीट द सेम इन द इवनिंग बिफोर लीविंग द स्कूल. आप जरूरी नहीं कि स्कूल में ही करें, आप अपने घर पर भी करके देख सकते हैं गार्डन में. आपको शाम के टाइम पे, इवनिंग के टाइम, मतलब सूरज जब ढलने वाला हो तो उससे पहले आपको एक और रीडिंग लेनी है कि शेडो की लेंथ कितनी है. ओके, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो मॉर्निंग में एंड इवनिंग में जो शेडो की लेंथ है वो ज़्यादा है, एंड नून में, मिस दोपहर के टाइम पे जो शेडो की लेंथ थी वो कम है. तो ये एक्सपेरिमेंट आप घर पर कर देख सकते हैं.
characteristics of a shadow. Following are the characteristics of a shadow. For a shadow cannot be formed in the absence of a light source. बिना light source के shadow form नहीं होगी, मतलब shadow नहीं बनती है अगर light source नहीं है. तो क्या ज़रूरी है shadow के लिए? Light का होना. B, a shadow is always dark irrespective of the color of the object. Object का color चाहे जो भी हो, बट उसकी जो इमेज बनती, मतलब उसकी जो शेडो बनती है, वो हमेशा डार्क होती है. सी, द साइज ऑफ द शेडो वेरीज अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट. जो शेडो का साइज होता है वो वेरी करता है, मतलब चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द जो लाइट, जो पोजीशन होती है सोर्स ऑफ लाइट, मीन्स लाइट का जो भी सोर्स है उसकी जो पोजीशन है वो अगर चेंज हो रही है तो उससे क्या होगा कि शेडो का साइज भी चेंज होगा, वेरी करेगा. वेरी करना मीन्स चेंज. साउंड, एवरी डे वी गेट टू हियर वेरियस साउंड सच एज पीपल स्पीकिंग, बेल्स रिंगिंग, बर्ड चिरपिंग एंड सो ऑन. साउंड का मतलब होता है आवाज. हर दिन जो है हम अलग अलग तरह के साउंड्स हमें सुनाई देते हैं, चाहे वो लोगों का बोलना हो जैसे, या फिर जो बेल होती है हमारे घर में उसका, उसकी आवाज़ हो, या फिर जो बर्ड्स होते हैं वो चहचहाते हैं उनकी आवाज़ हो, और भी डिफरेंट साउंड्स हम डेली अपनी लाइफ में सुनते हैं. सम साउंड्स आर लाउड, फॉर एग्जांपल शाउटिंग. कुछ साउंड्स होते हैं स्टूडेंट जो काफ़ी लाउड होते हैं, जैसे हम जब किसी पर चिल्लाते हैं तो वो साउंड कैसा होता है, लाउड होता है, ज़ोर से हम बोलते हैं. एंड सम आर सॉफ्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल विस्परिंग. या फिर कुछ साउंड होते हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, कोई धीरे से बोल रहा है. सम साउंड्स आर प्लीजेंट वाइल अदर्स आर अनप्लीजेंट. कुछ साउंड जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब हमें सुनने में अच्छा लगता है, और कुछ साउंड्स होते हैं वो बहुत अनप्लीजेंट होते हैं, मतलब बिल्कुल हमको अच्छा नहीं लगता उन्हें सुनना. द साउंड ऑफ द ट्रैफिक विल बी अनप्लीजेंट टू योर ईयर. जैसे ट्रैफिक का साउंड, जो ट्रैफिक होता है कोई हॉर्न बजा रहा है तो हमें बिल्कुल भी, हमारे कानों को बिल्कुल भी सुनना अच्छा नहीं लगता है. ऑन द अदर हैंड यू वुड नॉट माइंड सिटिंग थ्रू अ म्यूजिकल शो फॉर अ लॉन्ग टाइम. और अगर कोई म्यूजिकल शो हो रहा है, बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग्स आपको सुनने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आप काफ़ी देर तक बैठ सकते हैं, काफ़ी देर तक उसे सुन सकते हैं. बट अगर ट्रैफिक का साउंड है तो आप सुनना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे कानों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है. साउंड्स दैट आर गुड एंड प्लीजेंट टू योर ईयर्स आर कॉल्ड म्यूजिक. वो आवाज़ें जो हमें अच्छी लगती है, हमारे कानों को अच्छा लगता है सुनना, हमें अच्छा लगता है, उसे हम क्या कहेंगे? म्यूजिक कहेंगे. एंड साउंड्स दैट डिस्टर्ब यू एंड आर नॉट गुड और प्लीजेंट टू योर ईयर्स आर कॉल्ड नॉइस. एंड ऐसा साउंड जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है आपको सुनने में, उसे क्या कहते हैं? नॉइस कहते हैं. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नॉइस कहते हैं. तो ये तो हमने देख लिया कि प्लीजेंट अनप्लीजेंट साउंड जो हमें सुनने में अच्छे लगे उन्हें म्यूजिक होता है, जैसे म्यूजिक. एंड सेकंड नॉइस, जो हमारे लिए बिल्कुल अनप्लीजेंट साउंड जो होता है. फोर्स, यूज द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक्स. अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वर डैश सम मैंगोस फ्रॉम द ग्राउंड. एक ग्रुप है बच्चों का जो ग्राउंड से मैंगोस क्या करके लाया है. यहाँ पे थ्री वर्ड्स दिए गए, आपको यहाँ फिल करना है, तो आप क्या करेंगे? पिकिंग. सेकंड, अ गैंग वॉज सीन द डोर ऑफ द लॉकर. एक गैंग जो है वो देखी गई है लॉकर के डोर को क्या करते हुए, ओपनिंग खोलते हुए. थर्ड, अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन वर डैश द फुटबॉल. जो ग्रुप है चिल्ड्रन का, मतलब कुछ बच्चे हैं, वो क्या कर रहे थे? फुटबॉल को किक कर रहे थे. तो ये तीनों ही जो एक्शन है, पिकिंग, ओपनिंग एंड किकिंग, आर ऑल एक्शंस दैट हेल्प इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन. तो यहाँ क्या हो रहा है कि जो
किसी भी चीज़ को पिक करना या ओपन करना या किक करना, तो ये एक्शंस जो है इसकी हेल्प से क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। मीन्स उसकी जो ओरिजिनल पोजीशन है वहाँ से क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। ऑल द एक्शंस डेट वी डू इन आवर डेली लिव्स टू मूव एन ऑब्जेक्ट कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड एज अ पुश और अ पुल। जितने भी ऐसे एक्शंस होते हैं जो हम हमारी डेली लाइफ में करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अगर हम मूव कर रहे हैं उसे, या मूव ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर रहे हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर स्टॉप कर रहे हैं, तो ना टू कैटेगरीज में इसे जो है एक्शन को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, पुश एंड पुल। पुश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को धक्का देना, और पुल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचना। ओके सो फोर्स होता क्या है? अ पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश या पुल अप्लाई करते हैं, मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट है आप उसे धक्का दे रहे हैं, ठीक है, या किसी भी ऑब्जेक्ट को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? फोर्स। यहाँ पे आपने क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया। अगर आप किसी चीज़ को धक्का देंगे तो आपको आपने कुछ ताकत लगाई यहाँ पर, जिससे कि वो उस प्लेस से मूव किया, या किसी भी चीज़ को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? फोर्स कहते हैं। इफ़ अ बॉडी मूव्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ अ पुश और अ पुल वी कैन से दैट फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड ऑन द बॉडी। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो पुश या पुल करने पर, एक्शन करने पर वो मूव कर रहा है इसकी वजह से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे फोर्स क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है उस ऑब्जेक्ट पर। इफेक्ट्स ऑफ अ फोर्स, आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कार है, इसे पुश किया जा रहा है, तो क्या हो गया? फोर्स लगा यहाँ पर, ये जो एरोज देख रहे हैं ब्लैक, एंड सेकेंड ये जो बॉय है वो पुल कर रहा है, मतलब अपने आप तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे क्या है, वो फोर्स अप्लाई कर रहा है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स मीन्स फोर्स के इफेक्ट्स क्या होते हैं? फोर्स हैज़ वेरियस इफेक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट्स ऑन विच इट इज़ अप्लाइड, सम इफेक्ट्स आर गिवन बिलो। फोर्स के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट्स पर जब अप्लाई किया जाता है, कुछ इफेक्ट्स से वहाँ हमें यहाँ बताया गया। ए फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट मूव, फोर्स की वजह से क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसको मूव कर सकते हैं फोर्स से, तो एक इफेक्ट तो ये हो गया कि ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। बी फोर्स कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्टॉप, फोर्स जो है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को, मतलब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे स्टॉप कर सकता है फोर्स। सी फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकता है लाइक दिस। यहाँ इमेज में आप देख रहे हैं कि कोई स्पॉन्ज है, ठीक है, आपने उस पर क्या किया, फोर्स अप्लाई किया, तो उसका शेप कैसा हो गया है, चेंज हो गया। ओके फोर्स ने क्या कर दिया, उसका शेप चेंज कर दिया। डी फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज बॉल, आप क्रिकेट खेलते हैं, बॉल आती है हमारी तरफ, हम क्या करते हैं, बैट से उस पर क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन, हम जब बैट से उसको हिट करते हैं बॉल को, तो बॉल अदर डायरेक्शन में चली जाती, तो क्या हो गया, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया उस पर, तो फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है किसी मूवी ऑब्जेक्ट की। ओके सो ये कुछ इफेक्ट्स थे फोर्स के। फ्रिक्शन, नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट स्लोज डाउन द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट के मूवमेंट को क्या कर देता है, स्लो करता है, मीन्स धीमा कर देता है। जैसे हम
Thus, in order to move an object, the force applied through a push or pull should be greater than the force of friction. अगर हम को मतलब कोई ऑब्जेक्ट है उसे मूव करना है हमें, तो हमें उस पर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पुश कर रहे हैं हम उसे, धक्का दे रहे हैं या खींच रहे हैं, तो जो उसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उससे ज़्यादा हमें अप्लाई करना पड़ेगा उस ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए. इफ़ देयर इज़ टू मच फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट्स डोंट मूव, एंड इफ देयर इज़ वेरी लेस फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट्स वुड स्लाइड. अगर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर पाएगा, और अगर बहुत लेस है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, तो अगर ये फोर्स बहुत कम है तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्लाइड मीन्स फिसल, स्लाइड करेगा मीन्स फिसलने लगेगा. यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक ऑन अ वेट सरफेस बिकॉज देयर इज लेस फ्रिक्शनल फोर्स. फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्श होता है, अगर वो ड्राई है तो आप इजिली वॉक कर पाते हैं, राइट. बट अगर वेट वेट सरफेस है मीन्स फर्स्ट जो है वो गीला है, तो क्या हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है मीन्स फिसलन हो जाती है. तो वो किसकी वजह से होती है, बिकॉज वहाँ पे फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया, जिसकी वजह से आप उस पर चल नहीं पाते ठीक से. तो फ्रिक्शन अगर बहुत ज़्यादा होगा तो कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाएगा, और अगर बहुत कम है तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट स्लाइड करेगा. किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को अगर हमको रोकना है तो हमको फ्रिक्शन अप्लाई करना पड़ेगा, जिससे कि वो रुक सके या फिर स्लो हो सके. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. आई होप आपको अच्छे से अंडरस्टूड हो गया होगा व्हाट इज साउंड, फोर्स, फीचर्स ऑफ अ शैडो, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एंड व्हाट इज फ्रिक्शन. ओके सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट. Good day. Take care and have a nice day.